दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इस चीज़ आपको ज़रूर पता होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद हम एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अपने ही चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं और कोई आके उस वीडियो को डाउनलोड करता है और अपने ही चैनल के ऊपर अपलोड कर देता है। तो अगर इन केस में अगर आपके व्यूज़ डाउन होता जाएगा और जो आपका वीडियो चुरा के यानी कि विदाउट योर परमिशन विदाउट माई परमिशन वीडियो अपलोड किया उस चैनल के ऊपर और आपका व्यूज़ डाउन हो रहा है और जो व्यूज़ है उनके चैनल के ऊपर अप हो रहा है, तो इन केस में कैसा फील होगा? इसलिए YouTube ने कॉपीराइट स्ट्राइक का एक ऑप्शन रखा। अगर आपके परमिशन के बगैर किसी ने आपके वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड किया उसके चैनल के ऊपर तो आप स्ट्राइक दे सकते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक। बट ये चीज़ लीगल है एंड आपको जेन्युइन होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को आप फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हो। तो कॉपीराइट स्ट्राइक देने से पहले आप 10 बार देख लो कि आपका खुद का कंटेंट है, आपका खुद का बनाया हुआ सब कुछ है, तो फिर आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेरे ही चैनल के ऊपर यानी कि मेरे ही चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें से दो वीडियो कोई डाउनलोड करके अपलोड किया चैनल के ऊपर तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो लीगली। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लीजिए और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कॉपीराइट पर आना है। और कॉपीराइट पर जैसे ही आएंगे यहाँ पे चैनल कॉपीराइट यहाँ पे मैचेस दिखाएगा यानी कि कितने सारे वीडियो आपका कॉपी हुआ है यानी कि कॉपी करके अपलोड किया यहाँ पे दिखाएगा, शो करवाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दोनों वीडियोस मेरा कॉपी हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक पैन कार्ड का मेरा वीडियो है और एक है गूगल एड्स का वीडियो। यहाँ पे टोटल व्यूज़ कितना है दिखाएगा, यहाँ पे डेट दिखाएगा, यहाँ पे चैनल नेम जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल एडवर्ड का जो मेरा वीडियो था व्यूज़ है 5 एंड यहाँ पे चैनल नेम है और यहाँ पे मैचेस दिखा रहे हैं यानी कि मैच है 100% मेरा वीडियो है यानी कि मेरा सेम टू सेम वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, 100% मेरा वीडियो से मैच करता है। और यहाँ पे YouTube का जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे आपको शो करवाएगा, AI डिटेक्ट करता है YouTube का जो AI है और यहाँ पे कॉपीराइट मैच टूल में शो करवाता है। और यहाँ पे रिमूव करने के बाद रिमूवल रिक्वेस्ट भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रिमूव करने वाला हूँ यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मूव टू आर्काइव, यहाँ पे है कॉपीराइट स्ट्राइक, जैसे कि रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल यानी कि इसका मतलब है स्ट्राइक, और यहाँ पे है कॉन्टैक्ट चैनल यानी कि इस चैनल को हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक देने वाला हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ इसको, इस बॉक्स के ऊपर टिक मार्क करना है और यहाँ पे है रिक्वेस्ट रिमूवल, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे कॉपीराइट ओनर, तो यहाँ पे अफेक्टेड पार्टी माई सेल्फ और यहाँ पे मेरा लीगल नेम रहेगा यानी कि नेम ऑफ द कॉपीराइट ओनर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, प्राइमरी ईमेल, सेकेंडरी ईमेल, सिटी, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे जिप कोड यानी कि पिन कोड, यहाँ पे डिटेल्स आप सब कुछ भर लीजिए। और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, रिलेशनशिप टू कॉपीराइट कंटेंट यानी कि कंटेंट के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ओनर ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे मेरा अफेक्टेड पार्टी माई सेल्फ, यहाँ पे ओनर ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पे मेरा नेम, यहाँ पे कंट्री, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, प्राइमरी ईमेल, सिटी, यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आप दे सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, यहाँ पे स्टेट एंड जिप कोड। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे वीडियोस रिक्वेस्टेड फॉर रिमूवल, कितना आपका वीडियोस कॉपी हुआ है मैच डिटेक्टेड यहाँ पे आपको शो करवाएगा। ओके, यहाँ पे 13 सेकेंड से लेके 4:39 तक है। और यहाँ पे नीचे है रिमूवल ऑप्शन एंड एग्रीमेंट्स, यहाँ पे रिमूवल टाइमिंग शेड्यूल, सेंड 7 डेज नोटिस या फिर स्टैंडर्ड रिमूवल जो कि यूट्यूब का पॉलिसी है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिमूवल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट्स तीनों टिक मार्क लगाना है। ओके, और यहाँ पे सिग्नेचर मतलब आपका चैनल का नेम नहीं, आपका जो लीगल नेम है, तो मेरा जो लीगल नेम है यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे डिटेल में सब कुछ भरने के बाद आपको करना है सबमिट। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वीडियो था, अभी एक सिंगल वीडियो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आना है रिमूवल रिक्वेस्ट और यहाँ पे आपको शो करवाएगा क्या प्रोसेस है।
यहाँ पे देख सकते हो कि इन प्रोग्रेस, इससे पहले एक वीडियोस के ऊपर मैं स्ट्राइक दिया था, यहाँ पे रिजॉल्व दिखा रहा है, यानी कि वीडियो रिमूव कर दिया यूट्यूब ने, स्ट्राइक डाल दिया उस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पे अभी जो हमने कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस, तो कुछ टाइम के बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पे शो करवाएगा क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस वीडियो रिमूव हो जाएगा इस चैनल के ऊपर से, और चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक भी आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, स्ट्राइक देने के बाद किसी वजह से उस स्ट्राइक को आप बैक लेना चाहते हो यानी कि रिटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस ईमेल आईडी पर मेल करना होगा टू रिटेक्ट टू टेक डाउन ईमेल copyright@youtube.com फ्रॉम दिस ईमेल एड्रेस एसोसिएट विद योर यूट्यूब अकाउंट। यानी कि आपका जो यूट्यूब चैनल क्रिएट है जिस मेल आईडी से, उसी मेल आईडी से इस ईमेल पर मेल करना होगा copyright@youtube.com, और रिटेक्ट करना होगा कि हम इस स्ट्राइक को वापस लेना चाहते हैं। दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस। अगर कोई आपका वीडियो डाउनलोड करके अपने ही चैनल के ऊपर अपलोड कर देता है तो पूरा लीगल प्रोसेस है, कुछ इस तरीके से आप स्ट्राइक दे सकते हो, और डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर उस चैनल के ऊपर से वीडियो भी रिमूव हो जाएगा और स्ट्राइक भी उस चैनल के ऊपर लग जाएगा। दोस्तों कुछ टाइम के बाद ही मेरे पास ईमेल आ गया यूट्यूब की तरफ से, यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब कॉपीराइट यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे है हाय इट एक्नॉलेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर नोटिफिकेशन द कंटेंट हैज बीन रिमूव यू मे टेक बैक योर क्लेम ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रैगमेंट एट एनी टाइम इफ यू चेंज योर माइंड। यानी कि किसी भी वक्त आप स्ट्राइक को बैक ले सकते हो, और यहाँ पे वीडियो रिमूव कर दिया यूट्यूब ने, यहाँ पे डिटेल में भी ईमेल आ गया। सो यहाँ पे दो ईमेल आता है कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए, जैसे ही सबमिशन करोगे एक ईमेल, और सेकंड ईमेल जैसे ही वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा और स्ट्राइक लग जाएगा उस चैनल के ऊपर, सेकंड ईमेल यानी कि फाइनल ईमेल आप बोल सकते हो यूट्यूब की तरफ से यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हम कॉपीराइट स्ट्राइक किसी को दे सकते हैं, कॉपीराइट देने के बाद क्या स्टेटस है, कैसे चेक करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।